हाय फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ चाय के साथ। ये है मेरे शाम की चाय, दिस इज़ मिनी माउस। मैं आज शाम को 6 बजे चाय बना दिए थे हस्बैंड को, और फिर मेरे बाथरूम का जो शावर चेम्बर है दोपहर को क्लीन नहीं कर पाई, आज थोड़ा क्लीन किए थे तो शैम्पू करके फिर नहा लिया, क्योंकि शावर चेम्बर क्लीन किया ना तो अभी भी बाल भीगे हुए हैं, थोड़ा बिखरे हुए हैं। आज थोड़ा लिपस्टिक लगा लिया, शाम को मैं थोड़ा लिपस्टिक लगाती हूँ, मन बहुत अच्छा लगता है। और ये मिनी माउस कप मेरा है, हस्बैंड का है मिकी माउस कप। आज ना शाम को सिर्फ चाय पिया, उसके साथ कुछ भी नहीं खाया, मन नहीं किया, भूख ही नहीं है। तो ये मिनी माउस कप ना हम लोग दूसरे कोई स्टेट से खरीदा, अभी मैं भूल भी गई कहाँ से खरीदी थी। देखिए डिज्नी का है पर फ्लोरिडा से नहीं खरीदा। आज मैं बहुत सुबह उठ गई थी तो सुबह का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। सुबह एकदम जब सनराइज देख रही थी इतना अच्छा लगा ना, और उस साइड का नेबर्स का जो फेंस है, नेबर का जो फेंस है वाइट फेंस, उस पे ना ऑरेंज कलर का लाइट आके, जब सनराइज के वक्त ऑरेंज कलर का लाइट आके वो फेंस इतना सुंदर दिख रहा था। और जो मेरा गुआवा का जो पेड़ है, अमरूद का पेड़, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, उसका पूरा शेडो पड़ रहा था। और मैं सोचा इतना सुबह सुबह फिर मेरे गार्डन पे लाइट नहीं आता है, 12 बजने के बाद आता है शायद, क्योंकि मेरे वो ईस्टर्न साइड से है ना, मेरे बेडरूम ईस्टर्न साइड पे है। मैं कुछ कुछ चीज़ खुद का मर्जी से जब घर लिए थे, घर खरीदने के वक्त, ये तो नया घर है, पुराना घर नहीं, फ्लोरिडा पे पुराना घर भी मिलते हैं, पर बड़े बड़े स्टेट पे, यूएसए का बड़े बड़े स्टेट पे आपको पुराना घर ही खरीदना पड़ेगा, नया घर नहीं। और ये इस घर हमारा आंखों के सामने ही बिल्ट अप हुआ, तो बहुत कुछ हम लोग खुद का मर्जी से करवाए थे। तो बेडरूम था मेरा ईस्टर्न साइड पे होगा तो गर्मी कम होगा, तो मैंने सोचा कि ठीक है मेरे गार्डन पे फिर इतना सुबह सुबह लाइट नहीं आता, पर सनराइज होते हैं 6:30 बजे, यहाँ 6:30 बजे से पहले ही हो जाता है, उसका 1 घंटे के बाद कितना लाइट आ गया। और एक जगह मैं देख के भी रखा है, वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं आता, इतना छोटा सा पैसेज जैसा मेरे बेडरूम का जो वॉल है उसके साथ, वहाँ पे हम लोग ऑर्किड लगाएंगे। बहुत दिनों का प्लान है कि ऑर्किड का एक फ्रेम बना के वहाँ पे ऑर्किड का पॉट रखेंगे। तो हम लोग जब बाहर जाते हैं तो सीमेंट का जो स्क्वायर टाइप का है वहाँ पे अभी ऑर्किड रखते हैं, तो काला काला हो जाता है पानी से, मिट्टी से, तो उस जगह को पूरा क्लीन करके वहाँ से, वहाँ पे थोड़ा चेयर लगा के बैठ सकते हैं। अभी तो मेरा दुनिया ये घर बैकयार्ड ही हो गया, सामने भी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे ना कोई कोई डोंट केयर ऐसे एटीट्यूड है। माँ दो बच्चे ऐसे साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं शाम को, और हाय हेलो करते हैं तो आप भाग भी नहीं सकते हो सामने से। तो शाम को तो मैं सामने जाती नहीं, पर सुबह कोई नहीं था तो मैं सुबह सामने भी गया, और आपको सामने दिखाऊंगी। अभी मैंडेविली, जो मैंडेविलिया है थोड़ा थोड़ा अभी ब्लूम हो रहा है, और पिटूनिया पर्पल कलर का कितना अच्छा लगता है। हस्बैंड बोल रहे थे, आज ही बोल रहे थे, देखो फ्लोरिडा पे मई के महीने पे पिटूनिया, सोच भी नहीं सकते। अभी तो वेदर इतना प्लेजेंट वेदर है, और सुबह इतना ठंडा लगा, दौड़ के घर पे आ गए, एक चादर जैसा एक स्कार्फ ओढ़ के फिर मैं बाहर गई, नहीं तो ठंडा लग जाता है, ऐसे लग रहा था। फ्लोरिडा पे तो आज बारिश कल धूप, सनशाइन स्टेट बोलते हैं सब, आप तो जानते ही हैं, मैंने बहुत बार बोला है ये टूरिस्ट एरिया है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे आके रहना, घूमना बहुत पसंद करते हैं। वेदर के लिए वेदर तो बहुत ही अच्छा है। तो शाम को तो सामने नहीं जा सकती, तो सुबह गई थी, इतना अच्छा लगा, इतना मन खुश हो गया, कोई भी नहीं था, और फूल देख के सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। तो सुबह का नज़ारा इतना अच्छा था, मैं आपको दिखाऊंगी। और आज ना एक बात हुआ, हस्बैंड ने आज संडे है दोपहर को बहुत अच्छा चिकन दो प्याजा बनाए थे। चिकन दो प्याजा मैंने 2 बार या 3 बार ही खाए हैं लाइफ पे, फिर भी मेरे पापा से ही खाए थे, कोई रेस्टोरेंट पे खाया होगा, पापा से थोड़ा लेके टेस्ट किए थे, कब खाए थे टेस्ट कैसा है पूरा भूल गई थी मैं।
तो आज वो बनाए थे। एक रीजन है ये बनाने के लिए, परसों मैं अंडा करी बना रही थी। वो थोड़ा स्पेशल खाना बनाना पसंद करते हैं, उनका शौक है, तो कभी बनाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करती हूँ। डेली का फूड तो मैं ही बनाती हूँ। अभी तो मिलजुल के काम कर रहे हैं, उनका टाइम भी अच्छा पास हो जाता है और गार्डन पे भी बहुत काम करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो अंडा करी सब कुछ मैंने 3-4 महीने से एक करी खाया नहीं, तो सोचा चलो एक करी खाते हैं। उसके साथ एक सब्जी था, पालक और मिक्स वेज मिला के एक सब्जी, एक करी और राइस। तो मैंने देखा प्याज ही नहीं है घर पे, तो मैंने बोला देखो प्याज ही नहीं है कैसे बनाएंगे, फिर अदरक लहसुन से ही बनाना पड़ेगा, पर ऐसा टेस्ट नहीं आएगा। अभी चाय पीना, आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, शाम के चाय पी रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने बोला, बोल रहे थे कि हम लोगों ने प्याज हार्वेस्ट किए थे ना, एक ब्लॉग पे मैंने आपको दिखाई थी व्हाइट ऑनियन का फ्लावर कैसे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। रेड ऑनियन का डिफरेंट और व्हाइट ऑनियन का डिफरेंट, रेड ऑनियन का पूरा फ्लावर मैंने कभी नहीं देखा, तो मुझे लग रहा है कि डिफरेंट होते हैं। व्हाइट ऑनियन का फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं देखने में, पर प्याज हार्वेस्ट करना नहीं दिखाया। पीछे जो दो प्लॉट लगा के रखे हैं उसका एक प्लॉट पे हमने प्याज बनाए थे, वो हार्वेस्ट भी कर लिया। और प्याज हार्वेस्ट करके ना आप खा नहीं सकते डायरेक्ट, आपको ड्राई करना पड़ेगा। और फ्लोरिडा पे जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक दिन बारिश एक दिन जैसे धूप, तो बाहर रखेंगे भीग जाएगा, तो ये सब सोच के हम लोगों ने गैरेज पे रख दिया। हमारा गैरेज बहुत बड़ा है, बेडरूम से हमारा गैरेज बड़ा है, इतना स्पेशियस है, 2 कार गैरेज है। तो गैरेज पे तो कोई तो विंडो नहीं है, शटर आप बंद कर दो बस पूरा गर्म ही गर्म, बहुत गर्म। तो वहां पे प्याज रख दिया, अभी तो प्याज तैयार भी हो गया। तो उस दिन तो बहुत टेस्टी हुए थे, और आज 2 प्याजा किया। मैं ऐसे ऑनियन, होल ऑनियन खाने वाला इंसान नहीं हूँ। जैसे रेस्टोरेंट पे होते हैं ना, विनीगर पे ऑनियन डुबो के रखते हैं, वो खाते हैं, चाइनीज खाना का साथ देते हैं, नहीं तो मुगलाई के साथ भी देते हैं, तो मैं कभी नहीं खाया। तो आज मैं, हस्बैंड नान भी बनाए थे, नान बहुत अच्छा बनाते हैं, वो भी रेसिपी मैं एक दिन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो 2 प्याजे के साथ जो ऑनियन, होल ऑनियन देते हैं, वो मैंने नान के साथ खाया, थोड़ा राइस के साथ खाया, बहुत अच्छा लगा। वो रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, सुबह का नज़ारा भी दिखाऊंगी। और जो गंधोराज फूल बोलते हैं, शायद हिंदी पे महाराज, महागंधराज, ऐसे गंध महाराज ऐसे कुछ बोलते होंगे हिंदी पे, जो इंग्लिश पे गार्डेनिया बोलते हैं, वो 4 फूल हुए थे। वो मैंने उठाया, और गुलाब इतना छोटा छोटा साइज, पूरा 5-7 गुलाब पूरा छोटा सा पौधा भर के हुए थे। और हमारा ना गुलाब नहीं होता था इतने दिन तक, क्योंकि गुलाब का पौधा लगाए और खरगोश आके खा लिया। तो और सामने लगाते थे, खरगोश भी खाते थे, फिर पॉट पे भी लगाया वो मर जाते थे। तो लाइट के लिए सामने पीछे इतना ज्यादा धूप आते हैं ना, पर वो जो सुबह जो जगह पे कम धूप आते हैं ईस्टर्न साइड से, वहां पे रख दिए थे पॉट, जहाँ पे हम लोग पुदीना उगाते हैं। फिर पीछे जो थोड़ा फेंस करके, प्लॉट नहीं, जो गार्डन पे ऐसे लगाया हुआ है ना, वो उस जगह पे, क्योंकि कोलकाता जैसा, कोलकाता पे गुलाब होते हैं पर इतना अच्छा नहीं। यहाँ पे जैसे ठंडे का जगह है, उस वो सब जगह पे बहुत अच्छा गुलाब होते हैं, ट्यूलिप्स होते हैं। तो हम सोच रहे थे कि हम भी, और भी ये हमारा लॉकडाउन उठ जाए तो फिर हम और भी डिफरेंट डिफरेंट गुलाब का पौधा लेके आएंगे, और पीछे उस जगह पे ही रखेंगे। वहां पे इतना ज्यादा धूप नहीं है, पूरा प्लॉट पे बहुत धूप आता है, पर वो पर्टिकुलर जगह पे कम धूप आते हैं। वहां थोड़ा स्टैंड के ऊपर पॉट लगा के और भी गुलाब रखेंगे। तो अच्छा लग रहा, आज सुबह सुबह उठ के बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी रोज सुबह उठूंगी। एक दिन ना, मैंने आपको तो बैकयार्ड दिखाती हूँ और मेरे घर के सामने दिखाती हूँ, पर मेरा पूरा मेरा मोहल्ला मैं नहीं दिखाती हूँ। इधर शाम को ही सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, मैं एक दिन सुबह उठ के थोड़ा आपको मेरा मोहल्ला घुमा के भी दिखाऊंगी, मेरा इच्छा है। अभी तो यही दुनिया हो गया, हस्बैंड ऑफिस भी गए थे सैटरडे को, फिर आके फिर उनका वॉलेट, चश्मा, मोबाइल
सब मैं डिसइनफेक्ट किया, जूता बाहर ही रख के आए थे, फिर मोज़ा पूरा ड्रेस पूरा वॉशिंग मशीन पे डाल दिया, पूरा वॉशिंग मशीन चलाया, आते ही पूरा शैम्पू करके नहा लिया। तो कभी कभी जाना भी पड़ेगा, अभी थोड़ा थोड़ा जाना भी पड़ेगा ऑफिस पे, और मन भी खराब होता है ना, कितना दिन घर पे ऐसे रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, चल नहीं रहा है ऐसे नहीं है, उनका डायरेक्टर बॉसेस के साथ मीटिंग चल रहा है जूम पे, आजकल तो जूम पे सभी मीटिंग करते हैं और फ्रेंड्स के साथ भी चैट करते हैं, पर फिर भी ऑफिस पे जाने का ज़रूरत था। तो सैटरडे बहुत सुबह जा गया, तब कोई नहीं था, सुबह 5 बजे उठ के चले गए और 11:30 बजे के अंदर चले आए। दूसरे जो लोग आएंगे ना उसके बाद आएंगे, तो उनका भी मन बहुत अच्छा था, तो आज बोल रहे थे कि चलो मैं चिकन 2 प्याज बनाती हूँ, इतना अच्छा लगा, रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा, आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत लेस इंग्रेडिएंट्स लगेगा। और एक बात, हम लोग तीखा नहीं खाते हैं, तो ये बहुत तीखा हुआ था, थोड़ा जिंजर पेस्ट ज़्यादा डाल दिया और 2 लाल मिर्च डाले थे, वो फट गए थे। मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब कई साल हम लोगों ने तीखा कुछ भी नहीं खाए, वो तो एकदम पसंद नहीं करते हैं तीखा खाना, मैं भी इतना पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी हरी मिर्च का थोड़ा थोड़ा मैं खा लेती हूँ, मतलब अलग करके मैं खाती हूँ, कुकिंग पे नहीं देती हूँ, पर आज तीखा हुआ तो उन्होंने बोला हाँ टेस्ट अच्छा हुआ, इट्स फाइन बट इट्स ओके, मतलब तीखा हुआ जो उनको इतना जमा नहीं, बट टेस्ट बहुत अच्छा था चिकन 2 प्याज का, और मुझे बहुत जम गया इतना तीखा खाना नान के साथ और राइस के साथ, वो बहुत अच्छा नान बनाते हैं ओवन पे, मैं भी एक दिन ट्राई करूँगी, मैं भी दिखाऊँगी आप लोगों को, वो बहुत बहुत ही अच्छा बनाते हैं, नान का जो डो होते हैं ना वो ही जैसे दैट इज इम्पॉर्टेंट, डो अच्छा बना तो तवा पे भी नान बना सकते हो, ओवन पे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डो अच्छा बनना चाहिए, बहुत अच्छा नान बनाए थे। तो चलिए अभी मेरे घर का सुबह का नज़ारा आप देख लीजिए और चिकन 2 प्याज भी देख लीजिए और घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और सिंपल इंग्रेडिएंट्स से अभी लॉकडाउन के वक्त घर पे जो रहता है उससे कुछ अच्छा टेस्टी बन जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। आज ना मैंने थोड़ा लिपस्टिक लगा लिया, अभी तो बाल अभी भी भीगे हुए हैं, और ये देखिए हम लोग लास वेगास घूमने गए थे 2011 पे, तब का है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले ऊपर मैं दे दूंगी। ये ना लास वेगास पे गुलाबाई बोल के एक ट्राइब है, देखिए लाइट और शैडो का कितना सुंदर प्ले है, दिख रहा है ये फेंस के ऊपर, और ये ना लाइट ऑरेंजिश कलर का लाइट है, आप एक दिन सुबह उठ के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
कैमरे पे नहीं आ रहा है, इतना सॉफ्टनेस और इतना सुंदर लाइट कैमरा कैप्चर नहीं कर सका। अभी 7:30 बज गए हैं, पहले मैं 6:30 बजे का दिखा रही थी। अभी थोड़ा लेफ्ट साइड पे सन आ गया है और मैं आपको बाहर का जो दिखाऊंगी वो भी 7:30 बजने का ही टाइम का ही मैं दिखाऊंगी, क्योंकि 1 घंटा मैं पूरा इधर पे थी। ये है लौकी का पौधा, इसका ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है पर ठीक है, हम पेशेंस रख सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होगा। और ये सन मैं कैप्चर किया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, तब ठंडा ठंडा वेदर, उस पर सनराइज हुआ है, दिसंबर महीने का सुबह का वेदर ऐसे लग रहा था, बहुत प्लेजेंट वेदर था। मेरा मन कर रहा था घास के ऊपर थोड़ा बैठे रहूं। ये 7:30 बजे है, अभी तो पूरा लाइट लाइट हो गया। सुबह बोगनविलिया पे थोड़ा शेडो पड़ते हैं, जब जितना दिन ढलते हैं तब शेडो हट जाते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा धनिया का पत्ता का पौधा हो गया, यहाँ पे ग्रीन चिली जो चिलीज होते हैं वो, ये बाहर पे एक ऑर्किड हुआ ऑरेंज कलर का, और एक लैवेंडर, डीप लैवेंडर कलर का ऑर्किड हुआ, बहुत सुंदर है। अभी 7:30 बज गए, बाहर चले आए, बाहर का नज़ारा भी ऐसे है, थोड़ा सॉफ्ट लाइट चारों तरफ, सॉफ्ट लाइट, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रहा था, बहुत सॉफ्ट लग रहा था, आप देखते तो आप समझ पाते। और यहाँ से भी सन दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यह है मेरा मैंडेविलियस, वाइट पिंक रेड एंड येलो, 4 कलर का है। चलिए अभी बना लेते हैं चिकन 2 प्याजा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। यहाँ पे है तेज पत्ता, होल रेड चिली, लौंग, ब्लैक पेपर कॉर्न और जो वाइट इलायची है वो। यहाँ पे है लहसुन का पेस्ट, ग्रेटेड जिंजर, चॉप्ड ऑनियन, होल ऑनियन, चिकन, बोनलेस चिकन पीसेस, टोमेटो पेस्ट, वाइट ऑनियन पेस्ट। अभी तेल गरम कर लिया, हम लोग कैनोला ऑयल पे बनाया है, आप कैनोला ऑयल पे या कोई भी वाइट ऑयल पे बनाना, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे होल जो ऑनियंस है उसको लाल करके फ्राई कर लेंगे, जो बड़ा साइज का, थोड़ा मीडियम बड़ा साइज का था उसको हाफ कर लिया, और जो होल ऑनियन छोटा छोटा था उसको फ्राई करके उठा लिया। ये ऑनियंस बहुत जूसी और टेंडर थे और बहुत अच्छा करके फ्राई किया। अभी तड़का पे जो जो था स्पाइसेस वो डाल दिया, वाइट इलायची, लौंग, ब्लैक पेपरकॉर्न, तेजपत्ता और रेड चिली। अभी डाल दिया छोटा प्याज, ऑनियन जो चॉप करके रखे थे वो डाल दिया। तड़का 2-3 मिनट फ्राई कर लीजिएगा मीडियम फ्लेम पे, पूरा कुकिंग मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा। अभी प्याज सॉटे हो जाएगा, फिर डाल दिया ग्रेटेड जिंजर और पेस्ट किया हुआ गार्लिक। लहसुन पेस्ट करके हम लोग फ्रीज करके रख देते हैं तो बहुत सुविधा होते हैं, इट्स वेरी कन्वीनियंट। अभी ऑनियन पेस्ट डाल दिया, इसको अच्छा करके भूनना पड़ेगा कि कच्चा ऑनियन का स्मेल ना रहे। प्याज का कच्चा स्मेल रहेगा तो 2 प्याजा का जो स्वाद का जो ब्यूटी है वो नहीं आएगा। अभी 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे कॉन्टिन्यूस स्पैटुला को हिला के भूनना पड़ेगा। देखिए कलर चेंज हो गया। अभी टर्मरिक पाउडर डाल दिया और धनिया पाउडर डाल देंगे। अभी आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, हम लोग धनिया पाउडर प्रेफर करते हैं। अभी पेपरिका पाउडर डाल रहे हैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, आप रेड चिली पाउडर डाल सकते हो। डाल दिया नमक, नमक डाल के इसको अच्छा करके भूनना पड़ेगा 5 से 7 मिनट। देखिए मसाला वॉल्यूम पे कम हो गया, पूरा ऑयल छोड़ दिया। अभी टोमेटो पेस्ट डाल दिया, आप प्यूरे में डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा टोमेटो नहीं डालना, मीडियम साइज़ का डालना। टोमेटो पेस्ट डाल के इसको मिला लिया और फिर चिकन ऐड कर दिया।
चिकन ऐड करके 10 से 12 मिनट आप मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना। 10 से 12 मिनट भूनने के बाद गरम पानी डाल दिया, हाफ कप डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं। ये थिक ग्रेवी होगा और भुना टाइप्स का होगा, ऊपर तेल आ जाएगा, तो नान के साथ, रोटी, जीरा राइस, पुलाव सबके साथ, फ्राइड राइस सबके साथ बहुत अच्छा लगेगा। रुमाली रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा। अभी मैं हाई फ्लेम पे 5 मिनट कुक कर लूँगी। हाई फ्लेम पे कुक करके देखिए थोड़ा ग्रेवी कम हो गया, मसाला कम हो गया, ऊपर तेल छोड़ दिया। अभी होल जो ऑनियन फ्राई करके रखे थे छोटा छोटा वो डाल दिया। कितना अच्छा लगता है ना ये प्याज खाने में ऐसे फ्राई किया हुआ। फिर ग्रेवी पे 10 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे बॉयल करेंगे और आप लास्ट पे चेक कर लेना चिकन हुआ कि नहीं, बॉयल हुआ कि नहीं। देखिए 10 मिनट बाद रेडी टू सर्व हमारा चिकन दो प्याज़ा। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए मेरा वीडियो का, और लाइक, कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।